गाजियाबाद से श्वान इंस्पेक्टर की पत्नी का बड़ा आरोप। सिपाही से दरोगा बनते ही पत्नी को छोड़ा, दूसरी महिला की वजह से तलाक का नोटिस भेजा। 25 अप्रैल 2024 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट। 5 महीने बाद भी इंस्पेक्टर पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इंस्पेक्टर गाजियाबाद के कोतवाली में तैनात बताया जा रहा। बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। मामला ये है कि मेरे पति गाजियाबाद पुलिस में SI के पद पे हैं अभी। मेरी शादी 2020 में हुई थी, वो पहले सिपाही के पद पे थे और हमारा जो भी पारिवारिक था बिल्कुल सही चल रहा था। मेरी शादी को अब 34 साल हो गए, लेकिन 3 साल तक हमारे बीच में सब कुछ अच्छा था और हमारी एक बच्ची भी है जो अब 3 साल की हो चुकी है। लेकिन उनका 2023 में ओपन भर्ती हुई थी दरोगा की, उसमें उनका नाम आ गया। नाम आने के बाद में उनका बिहेवियर में बिल्कुल चेंजेस आ गए मेरे और मेरे बच्चे के प्रति। उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में जाने के बाद में उनका एक महिला के साथ में संबंध हो गया। जब से महिला के साथ में उनका संबंध हुआ है तब से वो मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं और उन्होंने कोर्ट में तलाक भी डाल दिया है। अब वो मुझे धमकी देते हैं कि अगर तूने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुझे तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति का नाम अभय प्रताप सिंह है जो कि अभी ये था ना। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जहां गाजियाबाद में इंस्पेक्टर की पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी कर्णवीर कश्यप जुड़े हुए। कर्णवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मामले पर? देखिए, ये जो महिला है एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी है और खुद भी पुलिस में कॉन्स्टेबल है और बरेली में तैनात है, बरेली के रहने वाले हैं। 4 साल पहले इसकी शादी हुई थी, ये कॉन्स्टेबल थी और इसके पति भी कॉन्स्टेबल थे। इसके पति ने एग्जाम दिया और वो दरोगा बन गए और जब से वो दरोगा बने हैं यानी सब इंस्पेक्टर बने हैं तब से वो ट्रेनिंग पर गए थे। और ट्रेनिंग पर जाने के बाद जब वहां से लौटे तो इसके प्रति रुख उनका बदल गया और उसके बाद वो इन्हें तलाक देने की तमाम कोशिशें तब से कर रहे हैं। इनके प्रति तमाम तरह की जो बेवफाई है वो शुरू हो गई है। महिला जो है पीड़ित उसने बरेली के इज्जतगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है और साथ ही साथ जो पति है उस पर कई आरोप भी लगाए हैं। हालांकि जो पति है वो गाजियाबाद में घंटाघर कोतवाली में तैनात है, पुराना बस अड्डे चौकी पर तैनात है। उससे इस संबंध में जब बातचीत की गई तो उसने बातचीत नहीं की, लेकिन जो पुलिस में जो FIR हुई है उस FIR के हवाले से और पीड़िता के हवाले से जो पूरी बात निकल करके आ रही है वो यही है कि पति पत्नी के बाद के बीच में दूसरी महिला के आ जाने की वजह से इनका परिवार बर्बाद हो गया है। 4 साल पहले शादी हुई थी, 1-3 साल की बच्ची भी इनके है और दरोगा बनने के बाद जो ये युवक है अभय प्रताप है जो दरोगा है ये कहीं ना कहीं बदल गया है, जिसको लेकर के जो पीड़ित लड़की है बिल्कुल कहीं ना कहीं उसकी तरफ से भी अब शिकायत दर्ज करा दी गई। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया करणवीर आपका।